ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अदल के मुख्यालय पर एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान की ओर से इसके गंभीर परिणाम की चेतावनी दी गई। अब ईरान में मौजूद बलूच अलगाववादी समूहों पर पाकिस्तान की ओर से हमला किया गया है। पाकिस्तानी सेना ने कथित तौर पर ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के सरवन शहर में बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की चौकियों पर हमला किया, लेकिन इस हमले से पाकिस्तानी सेना को उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। आइए जानें कैसे। दरअसल पाकिस्तानी सेना को इस हमले से कई फायदे हैं। सबसे पहले तो इससे जनता का गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के लोग ईरान के हमले से नाराज थे और वो अपनी ही सेना की काबिलियत पर सवाल उठाने लगे। लोग कह रहे थे कि पाकिस्तानी सेना को सिर्फ पॉलिटिक्स आती है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना को एक राजनीतिक फायदा भी मिलेगा। दरअसल पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले सेना ने इमरान खान और उनकी पार्टी पर कई एक्शन लिए हैं। पाकिस्तान में इस बार सेना नहीं चाहती कि इमरान खान पीएम बने। सेना एक बार फिर पाकिस्तान में नवाज शरीफ को ले आई है। नवाज शरीफ के पीएम बनने में इमरान खान सबसे बड़ा रोड़ा थे, जिन्हें जेल में डाल दिया गया है। इसके अलावा कई और मुकदमे खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान में जनता का एक बड़ा पक्ष इमरान के समर्थन में है। ऐसे में इमरान पर हो रही कार्रवाइयों से सेना के खिलाफ गुस्सा है। ईरान पर एयर स्ट्राइक से सेना लोगों को एक बार फिर अपने पक्ष में करने में कामयाब दिख रही है, भले ही यह थोड़े ही समय के लिए क्यों ना हो। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।